के जैन मंदिर में उपप्रवर्तक पीयूष मुनि महाराज के 45वें जन्म दिवस पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, दवा वितरण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु पंजीकरण शिविर लगाया गया। यह शिविर तीर्थ स्थल श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर इंद्री रोड करनाल में आयोजित हुआ है। आपको बता दें कि विभिन्न श्रद्धालुओं ने भजनों तथा विचारों से अपनी भक्ति भावना का प्रदर्शन किया। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के राजनेता, जनप्रतिनिधि अपनी शुभकामनाएं प्रकट करने के लिए उपस्थित हुए। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री तथा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने जैन तीर्थस्थल से अपने पुराने जुड़ाव का जिक्र करते हुए पीयूष मुनि द्वारा बढ़ चढ़कर किए जा रहे सामाजिक कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि संत समाज सबके मार्गदर्शन होते हैं, वह हर व्यक्ति को दूसरों का सहयोग करने की प्रेरणा देते हैं। वहीं उपप्रवर्तक पीयूष मुनि महाराज ने कहा कि सन्यासी किसी एक वर्ग या जाति का नहीं होता, वह सभी का हितेशी और सभी के कल्याण के लिए प्रयत्नशील होता है। इस अवसर पर पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, गिरीश अरोड़ा, भीमसेन मेहता, राकेश काम्बोज, त्रिलोचन सिंह, डॉक्टर नवजोत कौर, अनिल राणा, कांग्रेस नेता पंकज पुनिया समेत कई मौजूद थे। आखिरी पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी, पूर्व विधायक सुशील मेहता जी, पूर्व विधायक राकेश जी और साथी सभी यहाँ बैठे उपस्थित देवियों प्रसन्न प्रसन्न का देखिए, ऐसे जगह आकर कितनी दिल में प्रसन्नता होती है, आपको स्वयं महसूस हो। दुनियादारी है, इस दुनियादारी में ऐसे मुनि भी हैं पीयूष जैसे, जिन्होंने समाज में चेत कर है। आज उनका जन्म दिवस आज जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता है जो लंबी आयु दे और इसी प्रकार से समाज की ये सेवा करता है, तो ये समाज को प्रेरणा देते हैं और समाज को रास्ता दिखाते हैं। इसी है चौथी दफा आया हूँ, जब भी मैं आया हूँ यहाँ से एक अजीब शक्ति प्रेरणा यहाँ से लेके गया और समाज सेवा से बड़ी प्रेरणा थी। और ये समाज जो है, जो मायावती जैसे मैंने कहा, मायावती समाज की हमने दो इंडिकेशन दी थी समाज को, क्योंकि दरअसल ये समाज की जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो खान पान और जिस किस्म से हमारा पुराना धरा था समाज का, उसको आगे ले जाने में सबसे बड़ा हाथ इस समाज का है। इसमें कोई जात पात से ऊपर हर चीज के ऊपर ये समाज है, हर जाति के समाज इसमें, हर जाति के व्यक्ति समाज में है और ये समाज पुराने हमारे समाज में से है। सर, किसान धन्यवाद रैली आज बीजेपी गोहाना में कर रही है, किस तरीके से आप देखते हैं? क्या मिल गया किसानों को, किस बात के लिए कर रहे हैं? उनको जो कुछ किसान समर्थन दे रहे हैं, हो चुका है उसका, एमएसपी नहीं मिल रही तो किसानों को क्या मिलेगा? सर, प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी हो चुकी है, व्यापारी से लाखों रूपए लेने के बाद जिंदा जला दिया जा रहा है। प्रदेश में सरकार नाम की चीज ही कोई नहीं है, ऐसा है जैसे सरकार है ही नहीं, फ्री फॉर ऑल हुआ है। हर इतने घोटाले, इतनी बेरोजगारी और इसी वास्ते आप देखना बड़ौदा का नतीजा देखना। चुनाव के लिए क्या रणनीति है सर, कब तक आपका कैंडिडेट क्लियर हो जाएगा? 4 तारीख परिवार से सर, 3 तारीख को एक बार फिर से किसानों ने बंद का आह्वान किया, किस तरीके से? हमारे किसानों को समर्थन हो, हम नहीं करें किसानों को, क्योंकि जिनकी मांग वाजिब है एमएसपी मिलना चाहिए, जैसा मैंने 2007 में कर दिया था, जो
एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट ला के 2007 में प्रावधान ये कर दिया था कि जो मंडी से बाहर खरीद होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा वो एमएसपी से कम नहीं होगा और जिसकी एमएसपी नहीं है मार्केट रेट से कम नहीं होगा। तो अब ये हमारी मांग यही है कि चौथा कानून लेके आए और उसमें एमएसपी का प्रावधान करें और जो एमएसपी से कम दे कोई कॉर्पोरेट हो कोई हो उसका। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise।